केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, दुनिया भर में सेवा दे रहे एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स, केंद्र और राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण, अलग अलग एक्सपोर्ट काउंसिल्स और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में के सारे नेतागण, देवी और सज्जनों, ये समय आज़ादी के अमृत महोत्सव का है। ये समय आज़ादी के 75वें वर्ष में अपनी स्वतंत्रता को सेलिब्रेट करने का तो है ही, भविष्य के भारत के लिए एक क्लियर विजन और रोडमैप के निर्माण का अवसर भी है। इसमें हमारे एक्सपोर्ट के एम्बिशंस का और उसमें आप सभी साथियों का इन्वॉल्वमेंट, इनिशिएटिव, आपका रोल बहुत बड़ा है। आज जो ग्लोबल लेवल पर हो रहा है, मैं समझता हूं हम सब और यहां जो मेरे सामने सब लोग हैं वो इन सब चीजों से ज्यादा परिचित हैं। आज फिजिकल, टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल कनेक्टिविटी की वजह से दुनिया हर रोज और छोटी होती जा रही है। ऐसे में हमारे एक्सपोर्ट्स के एक्सपांशन के लिए दुनिया भर में नई संभावनाएं बन रही हैं और मैं समझता हूं कि मुझसे भी ज्यादा आप सभी इसके ज्यादा अनुभवी, बहुत बड़े पारखी हैं। मैं आप सभी को आज के इस इनिशिएटिव के लिए और इस प्रकार के दोनों पक्ष की बातों को रखने का जो अवसर मिला, मैं इसके लिए बधाई देता हूं। आप सभी ने एक्सपोर्ट्स को लेकर हमारे एम्बिशियस टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो एंथुजियाज्म, ऑप्टिमिज्म और कमिटमेंट दिखाया है वो भी प्रशंसनीय है। फ्रेंड्स, जब ग्लोबल इकोनॉमी में हमारी हिस्सेदारी सबसे अधिक थी और वो समय था हमारा देश का, उसका एक बड़ा कारण भारत का ताकतवर ट्रेड और एक्सपोर्ट था। हमारे दुनिया के लगभग हर हिस्से के साथ ट्रेड लिंक्स रहे हैं और ट्रेड रूट्स भी रहे हैं। आज जब हम ग्लोबल इकोनॉमी में अपनी उस पुरानी हिस्सेदारी को वापस पाने का प्रयास कर रहे हैं, तब भी हमारे एक्सपोर्ट का रोल बहुत अहम है। पोस्ट कोविड ग्लोबल वर्ल्ड में जब ग्लोबल सप्लाई चेन को लेकर आज एक व्यापक डिबेट है, तब हमें नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए पूरी ताकत लगा देनी है। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त हमारा एक्सपोर्ट जीडीपी का लगभग 20% है। हमारी अर्थव्यवस्था के साइज, हमारे पोटेंशियल, हमारी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री के बेस को देखते हुए इसमें बहुत वृद्धि की संभावना है। ऐसे में आज जब देश आत्मनिर्भर भारत के मिशन पर चल रहा है, तो उसका एक लक्ष्य एक्सपोर्ट्स में ग्लोबल सप्लाई चेन में
भारत की हिस्सेदारी को कई गुना बढ़ाने का भी है और इसलिए आज हमें यह सुनिश्चित करना है कि इंटरनेशनल डिमांड के अनुसार हमें एक्सेस मिले ताकि हमारे बिजनेस खुद को स्केल अप कर सके, ग्रो कर सके, हमारी इंडस्ट्रीज को भी बेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जाना होगा, इनोवेशन पर फोकस करना होगा और R&D में हिस्सेदारी बढ़ानी ही पड़ेगी। ग्लोबल वैल्यू चेन में हमारा शेयर इसी रास्ते पर से चलकर ही आगे बढ़ेगा। कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटिशन और एक्सेलेंस को प्रोत्साहित करते हुए ही हमें हर सेक्टर में ग्लोबल चैंपियंस तैयार करने हैं। साथियों, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए चार फैक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, देश में मैन्युफैक्चरिंग कई गुना बढ़े और क्वालिटेटिवली कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। और जैसे अभी कुछ साथियों ने कहा कि आज दुनिया में एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ है जो कीमत से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस करता है और हमें इस चीज को एड्रेस करना ही पड़ेगा। दूसरा, ट्रांसपोर्ट की, लॉजिस्टिक्स की दिक्कतें दूर हो, इसमें राज्य सरकारों को भी, केंद्र सरकार को भी और जो भी प्राइवेट उसमें प्लेयर्स होते हैं, इन सबने अपनी भूमिका निभानी होगी। तीसरा, एक्सपोर्ट्स के साथ सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के चले, ये कोई राज्य सरकारें इसमें अगर इन्वॉल्व नहीं है, राज्य में जो प्रकार की एक्सपोर्ट काउंसिल्स हैं वो अगर इन्वॉल्व नहीं है और कोई एक व्यापारी अपने तरीके से एक्सपोर्ट करता रहता है आइसोलेटेड वर्ग में, तो हमें जो परिणाम चाहिए वो नहीं मिलेंगे। हमें मिलकर के ही प्रयास करना होगा। और चौथा फैक्टर है जो आज के इस आयोजन से जुड़ा है और वो है भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए इंटरनेशनल मार्केट। ये चारों फैक्टर्स एकजुट होंगे तभी भारत का लोकल ग्लोबल होगा, तभी मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के लक्ष्य को हम बेहतर तरीके से हासिल कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आज देश में जो सरकार है, राज्यों में जो सरकार है, वो बिजनेस वर्ल्ड की आवश्यकताओं को समझते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। आत्मनिर्भर भारत इस अभियान के तहत कंप्लायंसेस में अनेक रिलैक्सेशन दिए गए हैं। इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सुचारू रूप से चलाना आसान हुआ है। 3 लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम से MSMEs और दूसरे प्रभावित सेक्टर्स को राहत मिली है। रिकवरी और ग्रोथ को प्रोत्साहित करने के लिए हाल में 1.5 लाख करोड़ रुपए और अप्रूव किए गए हैं। फ्रेंड, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव इस स्कीम से हमारी मैन्युफैक्चरिंग की स्केल ही नहीं बल्कि ग्लोबल क्वालिटी और एफिशिएंसी का स्तर बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। इससे आत्मनिर्भर भारत का, मेड इन इंडिया का नया इकोसिस्टम विकसित करने में बहुत सुविधा होगी और विकसित हो सकता है। देश को मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के नए ग्लोबल चैंपियंस मिलेंगे। मोबाइल फोन सेक्टर में तो हम इसका एक असर अनुभव भी कर रहे हैं। 7 साल पहले
हम लगभग 8 बिलियन डॉलर के मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, बाहर से मंगाते थे। अब ये घटकर 2 बिलियन डॉलर हो गया है, 8 बिलियन से 2 बिलियन पर आ गए। 7 साल पहले भारत सिर्फ 0.3 बिलियन डॉलर के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करता था। अब ये बढ़कर 3 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो गया है। साथियों, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट से जुड़ी एक और समस्या को सुलझाने के लिए भी सरकार का फोकस है। देश में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, फिर उसके टाइम और कॉस्ट कम करना, ये केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की प्राथमिकता रही और रहनी चाहिए। इसके लिए चाहे पॉलिसी डिसीजन हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, हर स्तर पर हमें काम और तेजी से आगे बढ़ाना होगा। आज हम मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी हमने सुना, बांग्लादेश ने अनुभव बताया कि अब रेलवे मार्ग से जब चीजें जाने लगी हैं तो एकदम से बढ़ोतरी होने लगी है। फ्रेंड्स, सरकार की तरफ से निरंतर प्रयास किया जा रहा है पैंडेमिक के इंपैक्ट को कम से कम, उसका इंपैक्ट कैसे हो। हमारी ये पूरी कोशिश है कि वायरस संक्रमण नियंत्रण में रहे। देश में आज वैक्सीनेशन का काम तेज गति से चल रहा है। देशवासियों और इंडस्ट्री की हर जरूरत, हर परेशानी को दूर करने के लिए हर संभव कदम उठाए गए हैं। बीते समय में किए गए प्रयासों का रिजल्ट आज आप भी अनुभव कर रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री ने, हमारे बिजनेस ने भी इस दौरान इनोवेट किया है, नई चैलेंजेस के हिसाब से खुद को ढाला है। इंडस्ट्री ने देश को मेडिकल इमरजेंसी से निपटने में भी मदद की और ग्रोथ को रिवाइव करने में भी भूमिका निभाई। यही कारण है कि आज ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के साथ साथ एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर में भी हमारे एक्सपोर्ट नए स्तर पर पहुंचे हैं। आज हम अर्थव्यवस्था में रिकवरी के ही नहीं बल्कि हाई ग्रोथ को लेकर भी पॉजिटिव साइंस देख रहे हैं। दुनिया की अनेक बड़ी इकोनॉमीज में भी तेजी से रिकवर होने के संकेत आ रहे हैं। इसलिए एक्सपोर्ट को लेकर बड़े टारगेट्स रखने और उनको हासिल करने का, मैं समझता हूं, ये बेहतर समय है। इसके लिए भी सरकार हर स्तर पर जरूरी कदम उठा रही है। हाल ही में सरकार ने एक्सपोर्ट को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले में हमारे एक्सपोर्टर्स को इंश्योरेंस कवर के रूप में लगभग 88,000 करोड़ रुपए का बूस्ट मिलेगा, 88,000 करोड़ रुपए का बूस्ट। इसी प्रकार एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स को रेशनलाइज करने में WTO कंप्लायंट, इसको बनाने से भी हमारे एक्सपोर्ट को बल मिलेगा। साथियों, दुनिया के अलग अलग देशों में बिजनेस करने वाले हमारे एक्सपोर्टर्स बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि स्टेबिलिटी का कितना बड़ा प्रभाव होता है। भारत ने रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन से मुक्ति का जो फैसला लिया है वो हमारा कमिटमेंट दिखाता है, पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी दिखाता है। ये सभी निवेशकों को स्पष्ट संदेश देता है कि आगे बढ़ता हुआ भारत
ना सिर्फ नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है बल्कि भारत की निर्णायक सरकार अपने वायदे भी पूरे करने की इच्छा शक्ति रखती है। फ्रेंड्स, निर्यात से जुड़े हमारे जो भी टारगेट हैं, जो भी हमारे रिफॉर्म्स हैं, उनमें देश के हर राज्य की बहुत बड़ी भागीदारी है। इन्वेस्टमेंट हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, लास्ट माइल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसमें राज्यों का रोल बहुत अहम है। निर्यात हो या निवेश, इसको बढ़ाने के लिए रेगुलेटरी बर्डन कम से कम हो, इसके लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है। राज्यों में एक्सपोर्ट हब्स बने, इसके लिए एक हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट किया जा रहा है। हर जिले में किसी एक प्रोडक्ट पर फोकस करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। फ्रेंड्स, निर्यात को लेकर हमारा एम्बिशियस टारगेट एक होलिस्टिक और डिटेल एक्शन प्लान में से ही अचीव हो सकता है। हमें अपने मौजूदा निर्यात को भी तेज करना है और नए प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट, नए डेस्टिनेशंस तैयार करने के लिए भी काम करना है। और मैं आपको कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा। हमारे जो मिशंस हैं, वे ये तय कर सकते हैं कि आज जिस देश में वो है, बहुत छोटे देश हैं तो उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाकी देशों में अगर आज किसी मानो तीन स्थान पर ही भारत का माल जा रहा है, तीन ही डेस्टिनेशन है, क्या इस आजादी के 75 वर्ष के निमित्त हम पांच नए डेस्टिनेशन उसके साथ जोड़ सकते हैं कि जहां पर भारत से कुछ न कुछ आता होगा? मैं समझता हूं कर सकते हैं। क्या हमारे मिशंस आजादी के 75 साल के निमित्त ये तय कर सकते हैं कि हमारे देश में भारत से कम अभी जो चीजें आती है उस अतिरिक्त नई 75 प्रोडक्ट हम हमारे देश में, जहां हम मिशन में काम कर रहे हैं, उस देश में ले जाएंगे? उसी प्रकार से वहां जो डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा, हमने देखा है पिछले 7 साल में बहुत प्रोएक्टिव हुआ है। एक प्रकार से कंधा मिलाकर के काम करने में आप लोगों के प्रयत्न से जुड़ा है। हम राज्यवार हम डायस्पोरा के कुछ गुट बनाएं और इस आजादी के 75 साल के वर्ष में उनके रिस्पेक्टिव राज्य के साथ इसी एक विषय को लेकर के, एक्सपोर्ट के विषय को लेकर के वर्चुअल समिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बिहार सरकार ऑर्गेनाइज करे, भारत सरकार भी हो, बिहार से जो चीजें एक्सपोर्ट होती हो उसके सारे एक्सपोर्टर्स हो, और उस देश में रहने वाले बिहार का जो डायस्पोरा है वो उसके साथ जुड़े, और बिहार की वो कौन सी चीजें हैं जो उस रिस्पेक्टिव कंट्री में पहुंचनी चाहिए। मैं समझता हूं डायस्पोरा इमोशनली अटैच होगा, वो इसमें मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में बड़ी मदद कर सकता है और हमारी चीजें बड़ी तेजी से फैल सकती हैं। उसी प्रकार से क्या राज्य सरकारें वे भी ये तय कर सकती हैं कि हम हमारे राज्य की 5 या 10 ऐसी टॉप प्रायोरिटी की चीजें तय करेंगे जो हमें एक्सपोर्ट करना है, और दुनिया के कम 75 देशों में मेरे राज्य से कुछ न कुछ जाना चाहिए, ये राज्यों के अंदर लक्ष्य बन सकता है। यानी हम आजादी के 75 वर्ष दुनिया में पहुंचने के लिए नए नए तौर तरीके अपना करके हम बिल्कुल प्रोएक्टिवली हम प्रयास कर सकते हैं। हमारी कई प्रोडक्ट ऐसी होगी दुनिया को पता तक नहीं होगा। अब जैसे हमारा एलईडी बल्ब, भारत में इतना सस्ता एलईडी बल्ब बनाया
दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की चिंता कर रही है, एनर्जी सेविंग की चर्चा कर रही है, इस विषय को ही लेकर के हम दुनिया में एलईडी बल्ब पहुंचाएं, सस्ते में पहुंचाएं, हम ग्लोबल वार्मिंग की में से दुनिया की मानवता का एक काम भी करेंगे और भारत को बहुत बड़ा मार्केट भी मिलेगा। ऐसी कई चीजें हैं, मैंने इसे उदाहरण पे नाम कहा है, हम बहुत सी चीजों को कर सकते हैं। अभी हमारा लगभग आधा एक्सपोर्ट सिर्फ चार बड़े डेस्टिनेशन के लिए होता है। इसी प्रकार हमारा लगभग 60% एक्सपोर्ट इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, पेट्रोलियम एंड केमिकल प्रोडक्ट्स और फार्मास्यूटिकल से जुड़ा हुआ है। मैं समझता हूं कि इतने बड़े विशाल देश, इतनी विविधताओं भरा देश, इतनी बड़ी यूनिक प्रोडक्ट वाला देश, वे दुनिया में अगर न पहुंचे तो हमें आत्मचिंतन करना है, हमें जो कमियां हैं उसको दूर करना है और मिल बैठ करके रास्ते खोजने ही हैं। इस स्थिति को हमें मिलकर बदलना है, हमें नए डेस्टिनेशन भी खोजने हैं और अपने नए प्रोडक्ट्स भी दुनिया तक पहुंचाने हैं। माइनिंग, कोल, डिफेंस, रेलवे जैसे सेक्टर्स को खोलने से हमारे एंटरप्रेनर्स को एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए भी नए अवसर मिल रहे हैं। क्या इन नए सेक्टर्स के लिए हम फ्यूचरिस्टिक स्ट्रेटेजीज तैयार कर सकते हैं? फ्रेंड्स, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे एम्बेसडर्स, विदेश मंत्रालय के साथियों से मैं एक और बात का भी आग्रह करूंगा। आप जिस भी देश में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस देश की जरूरतों को बहुत बेहतर तरीके से आप समझते हैं। उस देश में किस चीज की डिमांड है, भारत के कौन से क्षेत्र से वो डिमांड पूरी हो सकती है, इसका बेहतर अभ्यास भी आप लोगों को होता ही है। और पिछले 7 साल में हमने एक नया प्रयोग किया कि जब मिशन के लोग भारत में आते हैं तो उनको राज्यों में भेजते हैं, राज्य सरकारों के साथ उनके दो दो तीन तीन दिन की बातचीत करवाते हैं ताकि उस राज्य को उस देश में कुछ अपनी बातें ले जानी है तो सुविधा हो। ये काम ऑलरेडी चल रहा है। ऐसे में भारत के एक्सपोर्ट के लिए, यहाँ कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए आप सभी एक बहुत मजबूत ब्रिज की तरह भी हैं। मैं चाहता हूं कि अलग अलग देशों में मौजूदा इंडिया हाउस भारत की मैन्युफैक्चरिंग पावर के भी प्रतिनिधि बने। समय समय पर आप भारत में यहां की व्यवस्थाओं को अलर्ट करते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे, तो इसका लाभ एक्सपोर्ट को बढ़ाने में होगा। मैं कॉमर्स मंत्रालय को भी कहूंगा कि वो ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे हमारे एक्सपोर्टर्स और हमारे मिशंस के बीच निरंतर संपर्क बना रहे। और मैं तो मानता हूं कि आज इस वर्चुअल की व्यवस्था के कारण इन चीजों को बड़ी तेजी से, आसानी से हम कर सकते हैं। पहले ट्रैवल करना, मीटिंग करना, ये सब थोड़ा कठिन था, लेकिन कोरोना के बाद बाय एंड लार्ज ये दुनिया भर में एक व्यवस्था स्वीकृत हो रही है। मैं मानता हूं इस वर्चुअल हैबिट को इतना बढ़ा देना चाहिए और हमारी इस प्रकार की ऑल पार्टी, ऑल स्टेक होल्डर्स की कंबाइंड इनिशिएटिव वाला प्रयास बहुत जल्द निर्णायक बनेगा। साथियों, हमारे एक्सपोर्ट से हमारी इकोनॉमी को मैक्सिमम लाभ हो, इसके लिए हमें देश के भीतर भी सिमलेस और हाई क्वालिटी सप्लाई चेन का निर्माण करना है। इसके लिए हमें एक नए रिश्ते, नए साझेदारी बनाने की जरूरत है। मेरा सभी एक्सपोर्टर्स से आग्रह है कि वो हमारे एमएसएमई, हमारे किसान, हमारे मछुआरों के साथ पार्टनरशिप को मजबूत करें, हमारे स्टार्टअप्स को प्रमोट करें। हमारे कई एक्सपोर्टर्स होंगे, शायद आज स्टार्टअप की दुनिया में हमारी युवा पीढ़ी कितना बड़ा दुनिया को दे सकती है उससे परिचित नहीं होंगे। हो सके तो एक दिन हम कॉमर्स मिनिस्ट्री इनिशिएटिव लें
हमारे स्टार्टअप्स, हमारे एक्सपोर्टर्स, हमारे इन्वेस्टर्स, उनका एक जॉइंट वर्कशॉप हो, एक दूसरे की ताकत का परिचय हो, दुनिया के मार्केट का परिचय हो, हो सकता है हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम उन्हें सपोर्ट करें। जहां तक क्वालिटी और एफिशिएंसी का सवाल है, तो हमने अपनी दवाओं, अपनी वैक्सीन्स, इसके मामले में ये दुनिया में हम सिद्ध कर चुके हैं। टेक्नोलॉजी के बेहतर उपयोग से हम क्वालिटी कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसका एक और उदाहरण है हमारा हनी सेक्टर। मैं उदाहरण छोटे इसलिए दे रहा हूं कि छोटी छोटी चीजें भी कितनी बड़ी ताकत के साथ खड़ी हो सकती है। मैं आपके सामने हनी का उदाहरण दे रहा हूं। हनी की क्वालिटी सुनिश्चित करना, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी पहचान बढ़ाने के लिए अनिवार्य था। हमने हनी की टेस्टिंग के लिए टेक्नोलॉजी आधारित एक नया टेस्ट इंट्रोड्यूस किया। रिजल्ट ये मिला कि पिछले साल हमने लगभग 97 मिलियन डॉलर का हनी एक्सपोर्ट किया। क्या हम ऐसे ही फूड प्रोसेसिंग, फ्रूट्स, फिशरीज को लेकर नए इनोवेशन नहीं कर सकते? आज दुनिया में होलिस्टिक हेल्थ केयर का वातावरण बना हुआ है, बैक टू बेसिक का वातावरण बना हुआ है। हमारे योग के कारण भारत की तरफ इस दिशा में देखने का कारण बना है। ऐसे में हमारी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है, उसका एक दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट की संभावना है। हमारी ऑर्गेनिक चीजों को हम किस प्रकार से प्रमोट करें? फ्रेंड, ये समय ब्रांड इंडिया के लिए नए लक्ष्यों के साथ नए सफर का है। ये समय हमारे लिए क्वालिटी और रिलायबिलिटी की नई पहचान स्थापित करने का है। हमें ये प्रयास करना है कि दुनिया के कोने कोने में भारत के हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, क्योंकि अभी आया विषय कि वैल्यू एडेड चीजों की तरफ हमें बल देना पड़ेगा। हमें हमारी हर चीजों में निरंतर वैल्यू एडिशन करते जाना पड़ेगा। उसको लेकर हमें एक स्वाभाविक डिमांड पैदा हो, हमें कोशिश करनी चाहिए। मैं इंडस्ट्रीज को, सभी निर्यातकों को भी आश्वस्त करता हूं कि सरकार आपको हर प्रकार से सपोर्ट देगी। आइए हम आत्मनिर्भर भारत के, वैभवशाली भारत के संकल्प को मिलकर के सिद्ध करें। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। एक सप्ताह के बाद विश्व भर में हमारे मिशंस और भारत में भी हम 15 अगस्त मनाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव की विधिवत शुरुआत भी हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि एक हमारे लिए प्रेरणा का कारण बनना चाहिए। दुनिया में प्रभाव पैदा करने के लिए, दुनिया में पहुंचने के लिए ये आजादी के 75 साल अपने आप में हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का अवसर है। और 2047 देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा, उस पर ये 25 साल का समय हमारे लिए बड़ा मूल्यवान समय है। हम एक पल भी खोए बिना अभी से एक रोडमैप लेकर के आगे चले, और मुझे विश्वास है आज की बातों से कि हम सब इस संकल्प को परिपूर्ण करेंगे, हम संकल्प को पार कर जाएंगे। इसी पूरे विश्वास के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।